बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में PIA की जो फ्लाइट्स 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आएंगी उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले आपके साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट का डाटा शेयर करते हैं कि दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA की कितनी फ्लाइट्स 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त में आएंगी। तो 5 अगस्त को एक फ्लाइट आएगी PIA की जिसका टिकट का रेट 1710 दिरहम है। 6, 7 और 8 अगस्त को कोई फ्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नहीं आएगी PIA की, लेकिन 9, 10 और 11 अगस्त को एक एक फ्लाइट है। लेकिन फर्क यह है कि 9 अगस्त को टिकट का रेट 1410 दिरहम होगा, 10 अगस्त को 1310 दिरहम होगा और 11 अगस्त को 1210 दिरहम होगा। जितना आप लेट आएंगे टिकट उतना कम होता जाएगा। आप फर्क देख सकते हैं कि 5 अगस्त का जो रेट है वो 1710 दिरहम है और 11 अगस्त का जो रेट है वो 1210 दिरहम है। तो 11 अगस्त के बाद वाले जो दिन हैं उनके अंदर भी जो टिकट का रेट है PIA का वो 1210 दिरहम ही चल रहा है या उससे कम ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दुबई से कराची कितनी फ्लाइट्स जाएंगी इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई फ्लाइट स्केड्यूल नहीं है। 11 अगस्त को एक फ्लाइट है जो कि 1210 दिरहम की है और आप 11 अगस्त को आ सकते हैं कराची अगर आप आना चाहते हैं तो। लाहौर एयरपोर्ट की बात करें तो 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त को कोई फ्लाइट नहीं है। 10 अगस्त को जो फ्लाइट आएगी उसके टिकट का रेट 64,214 रुपीज है, जबकि 11 अगस्त को जो फ्लाइट आएगी उसका रेट है 55,000 रुपये। तो आप अगर लाहौर एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं 10 और 11 अगस्त को आ सकते हैं। अब इसके बाद पिशावर की बात करें तो 5 और 6 अगस्त को कोई फ्लाइट नहीं है। 7 अगस्त को 64,000 रुपये का टिकट करवाकर आप आ सकते हैं। 8 अगस्त को भी 64,000 रुपये का टिकट करवाकर आप आ सकते हैं। 9 अगस्त का टिकट थोड़ा मुनासिब है, 69,000 रुपये का है। 10 अगस्त को फ्लाइट नहीं है जबकि 11 अगस्त को टिकट मजीद रेट उसका कम है और 55,074 रुपये में आप टिकट लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं जो लोग दुबई से मुल्तान आना चाहते हो तो 5, 6 और 7 अगस्त को फ्लाइट नहीं है। 8 अगस्त को जो फ्लाइट है वो काफी महंगी है, 77,000 रुपये उस टिकट का रेट है। इसी तरह से 9 अगस्त को कोई फ्लाइट नहीं है, 10 अगस्त को फ्लाइट है उसका रेट 68,784 रुपये है, जबकि 11 अगस्त को कोई फ्लाइट नहीं है। अब आपको बताते हैं जो लोग फैसलाबाद आना चाह रहे हो तो 11 अगस्त से पहले पहले जो आ रहे हो तो 5 अगस्त को फ्लाइट है, 64,000 रुपये टिकट की कीमत है। 6, 7 अगस्त को फ्लाइट नहीं है, 8 अगस्त को 64,000 रुपये टिकट की प्राइस है वो आ सकते हैं। और फिर 9, 10 और 11 अगस्त को कोई फ्लाइट नहीं है, फिर 12 और 15 अगस्त को टिकट अवेलेबल आप लेकर आ सकते हैं। तो ये थी रिसेंट अपडेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एयर ब्लू का भी डाटा शेयर करूंगा कि एयर ब्लू की फ्लाइट्स नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान में कौन कौन सी आ रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।